बाजार में अमेजन जैसी कंपनियां इतना बड़ा सुरसा का मुंह हो गई हैं कि उनके सामने छोटे दुकानदार नहीं टिक पा रहे हैं। वह कम कीमतों पर सामानों को उपलब्ध करा सकती, वह सरकार से अरबों रुपए कर्ज लेकर अपने कंपनी को सस्टेन कर सकती है, और जब एक प्रक्रिया में भारत जैसे देशों के छोटे दुकानदार तबाह हो जाए तो फिर वह अपनी मनमानी। यह बिल्कुल वैसा है जैसे भारत में कारपोरेट अस्पताल। एक तरफ आपने मशीनीकरण भी कर दिया और दूसरी तरफ शोषण कम भी नहीं बल्कि और बढ़ा दिया, और इस बढ़ा देने में जो सबसे सहायक शक्ति आपके लिए साबित हुई, एक पूंजीपति के लिए लूट का रास्ता अपनाने वालों के लिए, वो ये हुई कि ट्रेड यूनियनें कमजोर, सवाल उठाने वाले कमजोर, मजदूरों को संगठित होने का अधिकार खत्म कर दिया गया। तो जाहिर तौर पर यह स्थिति होगी जिसकी पीयूष गोयल आज चिंता जाहिर करते हैं, लेकिन इन चिंताओं से फर्क तब पड़ेगा जब नीतियों में कोई बदलाव हो, और जिसका कोई लक्षण मोदी सरकार में दिखाई नहीं दे, दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है कि वह पूंजीपतियों पर अंकुश लगा, वह अबाध गति से देश को बर्बाद करने की रफ्तार से चल रही फैक्ट्रियों पर रोक। मैं आपसे आज जिस मसले पर बात करने जा रहा हूँ वह हमारे देश के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की स्वीकारोक्ति। बाजार में अमेजन जैसी कंपनियां इतना बड़ा सुरसा का मुंह हो गई हैं कि उनके सामने छोटे दुकानदार नहीं टिक पा रहे हैं। वह कम कीमतों पर सामानों को उपलब्ध करा सकती है, वह सरकार से अरबों रुपए कर्ज लेकर अपने कंपनी को सस्टेन कर सकती हैं, और जब एक प्रक्रिया में भारत जैसे देशों का छोटे दुकानदार तबाह हो जाएं, तो फिर वह अपनी मनमानी कर सकती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे भारत में कारपोरेट अस्पताल है। एक तरफ आपने मशीनीकरण भी कर लिया और दूसरी तरफ शोषण कम भी नहीं किया बल्कि और बढ़ा दिया, और इस बढ़ा देने में जो सबसे सहायक शक्ति आपके लिए साबित हुई, एक पूंजीपति के लिए लूट का रास्ता अपनाने वालों के लिए, वो ये हुई कि ट्रेड यूनियनें कमजोर हो गई, सवाल उठाने वाले कमजोर हो गए, मजदूरों को संगठित होने का अधिकार खत्म कर दिया गया। तो जाहिर तौर पर यह स्थिति होगी जिसकी पीयूष गोयल आज चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इन चिंताओं से फर्क तब पड़ेगा जब नीतियों में कोई बदलाव होगा, और जिसका कोई लक्षण मोदी सरकार में दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है कि वह पूंजीपतियों पर अंकुश लगा है, वह अबाध गति से देश को बर्बाद करने की रफ्तार से चल रही फैक्ट्रियों पर रोक लगा है। मैं आपसे आज जिस मसले पर बात करने जा रहा हूं वह हमारे देश के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की स्वीकारोक्ति है। यह पहली दफा है कि किसी मंत्री ने, मोदी सरकार के किसी मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि उनकी नीतियों के कारण इस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और बेकारी बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा हूँ कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के उस बात का जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके साथ साथ खुदरा व्यापार का बंटाधार हो रहा है। यह पहली दफा है कि जब किसी सरकार ने स्वीकार किया है। हम पूरी उस यात्रा पर आपको ले चलेंगे कि किस तरह से इस देश में जो स्थानीय कामकाज थे, जो मजदूर कारीगर शिल्पकार थे या जो लोकल उत्पादन था, उसको किस तरह से पिछले 30-35 वर्षों में बर्बाद किया गया, और अब जाकर इतने वर्षों बाद उसके साफ साफ परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह ये घटोत्कच के मुंह जैसी सुरसा बाए ये कंपनियां अपने को घाटे में रख कर भी छोटे दुकानदारों और छोटे व्यवसायों को तबाह कर रही हैं। इसी बात
इसी बात का जिक्र एक रिपोर्ट जारी करते हुए मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री चर्चित मंत्री पीयूष गोयल ने कहा। पीयूष गोयल ने यह बात कही कि अगर अमेजन कहता है कि हम एक हजार लाख डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूं, ठीक ठीक हाँ, तो इसका मतलब है 1000 करोड़ डॉलर। अगर 1000 करोड़ डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है अमेजन, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह देश के विकास में दे रहा है, बल्कि वह अपने साल भर के घाटे को पूरा कर रहा है। उनका यह कहना था कि यह कंपनियां बाजार की कीमतों को बांधने के लिए कम कीमत पर अपना नुकसान कर रही हैं, और इससे बाजार में दूसरे जो कंपटीटर्स हैं, जो बेचने वाले हैं और जो छोटे उद्योगपति हैं या छोटे व्यवसायी हैं, उनको तबाह कर रही हैं। उस तबाही का आंकड़ा आप देखिए इतना बड़ा है कि 6000 करोड़ रुपए का सालाना घाटा अमेजन झेल रहा है, और उस झेलने के बदले भारत के 10 करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदारों को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। यह चिंता थी दोस्तों। यह छोटी सी जानकारी आपको मैं उसी बड़ी यात्रा की तरफ ले चलना चाहूंगा, जहां से एक समय ऐसा था जब 90 का दशक था और तमाम सारे आंदोलनकारी या वैज्ञानिक या समाज विज्ञानी कह रहे थे कि तकनीकी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, कंपनियों के क्षेत्र में भारत को गुलाम मत बनाओ। लेकिन हमारे देश की सरकारों ने 90 के दशक की बात है, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन को भारतीय मीडिया और भारत के सत्ता से जुड़े हुए बुद्धिजीवियों ने इस रूप में पेश किया कि 90 के बाद जब ये कंपनियां आएंगी तो इस देश में चौतरफा खुशी का माहौल होगा और आर्थिक तौर पर हम बहुत संपन्न होंगे, और उसी प्रक्रिया में हम यहां तक पहुंचे हैं कि अब बाजार में अमेजन जैसी कंपनियां इतना बड़ा सुरसा का मुंह हो गई हैं कि उनके सामने छोटे दुकानदार नहीं टिक पा रहे हैं। वह कम कीमतों पर सामानों को उपलब्ध करा सकती है, वह सरकार से अरबों रुपए कर्ज लेकर अपने कंपनी को सस्टेन कर सकती हैं, और जब एक प्रक्रिया में भारत जैसे देशों का छोटे दुकानदार तबाह हो जाएं, तो फिर वह अपनी मनमानी कर सकती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे भारत में कारपोरेट अस्पताल है। आप कल्पना करिए कि दिल्ली NCR के इलाके में अगर आप रहते हैं तो आपके पास एक लौता अस्पताल है, बड़ा एम्स, किसी बड़ी बीमारी से निपटने का। उसके अलावा इसी दिल्ली में कम से कम 50 बड़े अस्पताल हैं जहां सारी सुविधाओं के साथ इलाज होता है, और सरकारी के नाम पर 4-5 से ज्यादा आप गिन नहीं पाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तीनों राज्यों को मिला लें। यानी ये कारपोरेट कल्चर, जिसका विरोध 1990 के दशक में हो रहा था, व्यापक स्तर पर हो रहा था, और कहा जा रहा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलौना बनना इस देश को नई गुलामी की तरफ ढकेलेगा, इस बात को न पिछली सरकारों ने महसूस किया और माना, न मौजूदा मोदी की सरकार ने माना और महसूस किया। लेकिन अब जब यह कहा जा रहा है कि 27% के खुदरा बाजार का जो कैप है, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों की इजाजत है बेचने की और खरीदने की, उस कैप में 10 करोड़ भारत के खुदरा व्यापारी हैं। वह खुदरा व्यापारी धीरे धीरे, जो कल तक दुकानदार थे, सालाना 20 लाख से 50 लाख रुपए का उनका एक टर्नओवर था, वह धीरे धीरे गरीब और मजदूर के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बाजार में जो चीजें उपलब्ध हैं और जो व्यवसायिक ढांचा है, जिसको हम आप सभी समझते हैं कि अमेजन जैसी कंपनी दुकान नहीं खोलती है, गोदाम रखती है, उन गोदामों के जरिए या फिर जो उत्पादक हैं उनसे सीधे
ग्राहक तक पहुंचाती है, इसमें ग्राहक का बचत तो हो जाता है, लेकिन दुकान का जो पूरा एक बाजार का सिस्टम था वह धीरे धीरे तहस नहस हो रहा है, और वह जन्म किसको दे रहा है? बेरोजगारी को। और आज ही कल ही की एक और रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि भारत की इकोनॉमी आने वाले वर्षों में $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, $55 ट्रिलियन की। हम कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी 2025 तक होने की तरफ हैं, और 2030 तक हम विकसित देशों की सूची में शामिल हो जाएंगे। यह हमारा सपना है, यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, यह समझ अखबार में छपता है, मीडिया में छपता है, जब कोई नेता बोलता है तो सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन हमारा आपका सरोकार क्या है कि हमारे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाए या फिर कुछ और भी हो जाए, और दुनिया के हम तीसरे बड़े आर्थिक संपन्न देशों में शामिल हो जाएं, लेकिन हमारे देश की जो 140 करोड़ जनता है उसमें से क्या 130 करोड़ लोगों की आर्थिकी बेहतर हो रही है, इसकी चिंता होनी चाहिए। जिस बात की चिंता पीयूष गोयल को अब हुई है, मोदी के मंत्री को हुई है, यह चिंता अगर 10 साल पहले सत्ता में आने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को हो गई होती तो चीजें संभल गई होती। उनकी पार्टी जिस संगठन से निकलती है वो आरएसएस है, वह एक स्वदेशी जागरण मंच चलाते हैं, वह लोग लगातार संघर्ष करते हैं कि स्वदेशी चीजों का ही इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जब उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो उसके बाद इस देश में सर्वाधिक विदेशी निवेश की खबरें हम अखबारों में छपवाते हैं, उससे खुश होते हैं, हम बताते हैं कि हम जितना ज्यादा निवेश लाएंगे हम उतने बड़े लोग होंगे, इसी रूप में प्रचारित किया जाता है। जाहिर तौर पर यह कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यह जो इन्वेस्टमेंट है यह हमारे उत्पादन के लिए नहीं है, हमारे शोध के लिए नहीं है, बल्कि हमारे बाजार के लिए है। आप अमेजन अगर हमारे देश में कोई उत्पादन कर रही होती तब हमें कोई एतराज नहीं होता, लेकिन वह हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पर आई हुई है। इसी तरह की दूसरी कंपनियां भी जो आई हैं हमारे देश की अपनी उत्पादक क्षमता को नहीं बढ़ा रही है, बल्कि हम उत्पादन पहले से कम करते जा रहे हैं, हम छोटे मैन्युफैक्चरर के रूप में भविष्य अपना देख रहे हैं, लेकिन हम कंज्यूमर दुनिया के सबसे बड़े होते जा रहे हैं। जब हम कंज्यूमर होंगे तो जाहिर तौर पर हम बेरोजगारी लेकर, और जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं हमारी सरकार करती है उसमें जब हम ये सुनते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कैसे मशीनों ने, आप अमेजन को भी बाजार का एक बड़ा मशीन समझिए, जो एक इतना बड़ा मशीन है जो करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दे रहा है, उसी तरह सड़क का मशीन है, बिल्डिंग बनने की मशीनें हैं, अखबार जहां छपते हैं उनकी मशीनें, यह मशीनें धीरे 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 भारत जैसे इस पैसिफिक देश को जहां की आबादी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है वहां बेरोजगारी को और ज्यादा बढ़ा रही है, यानी संपन्नता भी इस देश में बढ़ रही है और उसी के मुकाबले गरीबी भी बढ़ रही है, और उसकी मुख्य वजह है अतार्किक मशीनीकरण, इलॉजिकल जो मशीनीकरण है, जो मैकेनाइजेशन है उसकी वजह से हो रहा है। जैसे आप सुनते होंगे अक्सर नितिन गडकरी कहते हैं, अभी सुधांशु त्रिवेदी कहीं बोलते हुए मुझे नजर आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि सचिन पायलट को लेकर कुछ जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि जिसकी आंख नहीं है वो देखे, हर रोज हमारी सरकार 37 किलोमीटर सड़क बना रही है। यह सुनने में सबको अच्छा लगता है, रिकॉर्ड में भी अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों आपको यह जानना चाहिए कि 37 किलोमीटर जो सड़कें बन रही हैं, पिछले 10 साल पहले अगर 37 किलोमीटर की सड़क बनाने में 2000 मजदूर लगते थे तो आज 20 से 200 मजदूर लगते हैं, क्योंकि वो बाकी सारी काम बड़ी मशीनें करती हैं। अकेली सड़कों पर जहां भी सड़क बन रही हो जरा वहां खड़े होकर देख लीजिए, राक्षस नुमा मशीनें लगी हुई हैं, वह तेजी से सड़कें बनाती हैं। आपको यह लगेगा सुनते वक्त इसमें बुरा क्या है, बुरा यह है कि उन मशीनों के जो बड़े लोग हैं उनकी वो मशीनें हैं और उन मशीनों से वह व्यक्ति मजबूत हो रहा है, लेकिन जो 220 से लेके 200 लोग हैं, अब संख्या जो 2000 थी वो घट के 20 से लेके 200 हो गई है। इसी तरह अखबार के कभी छपने वाली प्रिंटिंग मशीनों पर जाइए,
देखिए मशीनीकरण ने क्या बदल दिया है। जहां घंटे में 8 लाख अखबार छपते हैं, वहां काम करने वाले 5-6 मजदूर से ज्यादा नहीं। इसी तरह दूसरे उत्पाद के सेंटर है। आपको लगता होगा ये कैसी उल्टी बात है। दोस्तों, इसी बात को 1990 से लेकर 2000 तक इस देश की सड़कों पर लोग उतरते रहे। लोगों ने कहा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध किया, लोगों ने अतार्किक मशीनीकरण का विरोध किया। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, अतार्किक मशीनीकरण। इस देश में मशीनीकरण की अगर इतनी ही आपको चिंता है, तो इस देश की रेलवे लाइनों को आप ठीक ना कर पाए। इस देश में ट्रेनों की स्पीड जो आज से 40 साल पहले थी, उसमें से 2 से 10 किलोमीटर का फर्क आज तक आप नहीं कर पाए। इस देश के 2.5 करोड़ लोगों को प्रतिदिन ढोने वाली रेलवे लगातार असुरक्षित होती जा रही है। वहां आपकी टेक्नोलॉजी और मशीनीकरण काम नहीं आ रहा है। लेकिन बेरोजगारी फैलाने में, पूंजी का आधिपत्य कायम करने में, और उससे भी बड़ी बात, छोटे दुकानदार जो 10 करोड़ से ज्यादा हैं, उनकी औकात से मजदूर बना देने में, इसमें आपके मशीनीकरण की दिलचस्पी है। इसी को मैं अतार्किक मशीनीकरण कहता हूं। हमारे देश को जरूरत है मैकेनाइजेशन की, लेकिन ऐसे मैकेनाइजेशन की जरूरत नहीं है जहां की आबादी का केंद्रीकरण होने लगे। हमारे देश में मशीनीकरण का फायदा क्या हुआ? जब पिछले समय लोग कह रहे थे कि अगर आप खास तरह के शहर विकसित करेंगे, पूंजीपतियों की सुविधा के हिसाब से शहर विकसित करेंगे, तो इस देश के गांव खाली होने लगेंगे। अगर हम दिल्ली एनसीआर से आसपास 500 किलोमीटर की बात करें, बुंदेलखंड की बड़ा हिस्सा खाली है, पूर्वी उत्तर प्रदेश खाली है, बिहार के गांव खाली है, उत्तराखंड की गिनती ही नहीं है, हरियाणा और राजस्थान तक में पलायन की लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है, मध्य प्रदेश बगल से लगता है, वहां भी भयंकर बेरोजगारी और पलायन है। यानी पिछले 30 सालों में जिस समृद्धि की हमने बात की, उस समृद्धि ने इस देश में एक छोटे से मध्य वर्ग और पूंजीपति को भले अरबपति और अरबपति बना दिया हो, लेकिन देश की बड़ी आबादी को अपनी जल जंगल जमीन से उजाड़ा, अपने नेटिव अपने गांव गंवई इलाकों से उजाड़ा, अपने घर परिवार से उजाड़ा, और शहरों में लाकर एक ऐसा मजदूर बना दिया जहां ना उसकी संस्कृति है, ना लोग हैं, ना परिवार है, और न ही वो ऐसी कोई कमाई करता है जिससे कि उसकी कोई संपन्नता का नया नियामक वह कायम कर सके। और यह सब कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के और बाजार की ताकतों को मजबूत करने की जो सरकार की प्रवृत्ति रही, जिसमें पिछली सरकारें भी जिम्मेदार हैं, मौजूदा मोदी सरकार भी जिम्मेदार है, उसी का नतीजा है कि अब पीयूष गोयल जैसे मंत्रियों को यह कहना पड़ता है कि ई कॉमर्स के तेज ग्रोथ जो है चिंता का विषय है, ई कॉमर्स के कारण बेरोजगारी फैल रही है, 27% ई कॉमर्स का जो कैप है उसकी वजह से 10 करोड़ छोटे दुकानदार बर्बाद होने के कगार पर हैं, और उससे भी बड़ी कि जो अर्थव्यवस्था का एक मॉड्यूल है, जिसको कि भारतीय लोगों की अर्थव्यवस्था कहते हैं, लोगों की आर्थिकी कहते हैं, वह दरिद्र की तरफ है। यानी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चंद लोगों के पैसे कमाने के जरिए तो भारत बन जाएगा, लेकिन उसी के मुकाबले भारत में दरिद्रता का प्रतिशत भी बढ़ेगा, गरीबी का प्रतिशत भी बढ़ेगा, भुखमरी का प्रतिशत भी बढ़ेगा, और यह मार पिछली सरकारों में गरीबों पर थी, लेकिन मौजूदा सरकार में यह मार मध्य वर्ग पर है, जो मध्य वर्ग अपने को शहरी जीवन का सभ्य नागरिक कहता है, जिसका सपना अपने को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, अपनी मोटर गाड़ी खरीदने का और हवाई जहाज से चलने का है। पिछले 10 वर्षों में मध्य वर्ग की दरिद्रता बढ़ी है, और इस दरिद्रता के मूल में यह इसी तरह का मैकेनाइजेशन है, और दूसरा विदेशी कंपनियों के विस्तार और अतार्किक ढंग से सिर्फ बाजार और मुनाफे के लिए इस तरह का स्पेस देना है, जिसकी वजह से ये स्थितियां कायम हो रही हैं। आप समझिए कि हमारे देश में 80% आबादी जो किसानों की है, उसका 2% भी बड़ा खेतिहर नहीं है, लेकिन
हमारे देश के अतार्किक मशीनीकरण ने, जो किसान दो कट्ठे का मालिक है, दो कट्ठा मुश्किल से 1,500 गज या स्क्वायर फिट होता होगा, इस तरह से समझिए, जो दो कट्ठे का, पांच कट्ठे का, 10 कट्ठे का मालिक है, उस तक को हमने मजबूर कर दिया कि वह ट्रैक्टर का इस्तेमाल करे। गांव के गांव से पूरी आर्थिक संरचना हमने खत्म कर दी, गाय गोबर की पूरी व्यवस्था खत्म होती चली गई। इसमें नागरिक नहीं जिम्मेदार है, बल्कि सरकार जिस सिस्टम को हमारे ऊपर लादेगी, हम उसको इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होंगे। और यही वजह है कि पूरे भारत में जो छोटे किसान तक है, जो मामूली किसान तक है, यहां तक कि जिनका साल भर का अनाज भी अपने खेत से नहीं चल पाता, वो भी हमारे भारत में 50% से ज्यादा किसान है जो अपनी खेती से भी अपना पेट नहीं भर पाते, वो भी बड़े बड़े कंबाइन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और उनको संभव नहीं है कि गाय भैंस बकरी भेड़ रख पाए। या यूं नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि लोग भागते गए, बल्कि गांवों को जब आप दरिद्र बनाते गए और शहरों में सुविधाओं का केंद्रीकरण करते चले गए और गांव में पढ़ने लिखने आवास और अस्पताल की सुविधाओं को लगातार किनारे करना या न्यूनतम करते चले गए, और यह सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि यह आर्थिक संरचना इसी के साथ खड़ी थी जिस पर चिंता हमारे मंत्री को हो रही। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उसके अलावा दंकल प्रस्ताव, आप सब विरोध याद करें, उसके अलावा ट्रेड यूनियनों का खत्म होते जाना, मजदूरों के अधिकार को जीरो होते जाना, किसानों के सवालों को खत्म करते जाना, जो मशीनों पर सवाल उठाए उसको विकास विरोधी कहना, जो कहे कि सड़कों की इस रास्ते पर कोई जरूरत नहीं है, पहले उस गांव को तुम स्कूल दो, उस गांव को अस्पताल दो, वहां रोजगार का कोई तरीका ढूंढो, सरकार वहां कंपनी लगा दे। आखिर क्या जादू हुआ कि सारी कंपनियां दिल्ली एनसीआर में बनाई गई? वो इसलिए नहीं बनाई गई कि लोगों को सुविधा हो, बल्कि इसलिए बनाई गई कि पलायन किया हुआ मजदूर, अपनी जगह, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से उजड़े हुए लोग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पहले ट्रेड यूनियन खत्म करो, उसको बदनाम करो और फिर उन्हें उजाड़ कर यहां लाओ। यही हुआ पूरे देश में। इसलिए आप देखेंगे कि छोटे छोटे कल कारखानों के इलाके, कानपुर का उद्योग खत्म कर दिया गया, बनारस में जो उद्योग छोटे मोटे थे उन्हें खत्म किया गया, मिर्जापुर खत्म किया गया, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, इस तरह पूरे देश भर में जो छोटे छोटे कल कारखाने थे उन्हें खत्म किया गया और उनको बड़े महानगरों में शिफ्ट किया गया, जिससे कि जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो कमजोर पड़ जाए, चुप हो जाए, उन्हें लगे कि हमारा तो यहां कुछ है ही नहीं, हम लड़ेंगे कैसे। और उसी लड़ाई विहीन समाज का नतीजा है कि आज हम सुरसा जैसी मुंबई कंपनियों के सामने लगभग गुलाम जैसी हालत में हैं, और हम विरोध करें या सपोर्ट करें या आलोचना करें, हम जैसे लोग भी अमेजन के बड़े ग्राहकों में से एक है, क्योंकि विकल्प खत्म कर दिया जाएगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। और ये ऑप्शन खत्म करने की जो अर्थव्यवस्था है, यही आधिपत्य की अर्थव्यवस्था है, यही साम्राज्यवाद की अर्थव्यवस्था है, यही पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था है, जिसमें बहुत अर्थशास्त्र को समझने वाला हर विद्यार्थी जानता है कि मूल नियम है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। तो क्या इस अर्थव्यवस्था से क्या नागरिक समाज को भी खा जाएंगे? क्या जनता को भी आप नहीं खाते जा रहे? आप समझिए, विकसित होते भारत में जहां इतनी मशीनें हैं, इसके एक उल्टी चीज, ऐसा नहीं कि इन मशीनों के आने के बाद से लोगों के मजदूरी करने के घंटे, काम करने के घंटे कम हो गए, बल्कि उल्टा हुआ है। इस समय कोई एक कंपनी आपको दिल्ली एनसीआर से लेकर सूरत और मुंबई के ठाणे से लेकर पुणे तक, कहीं इस देश में आपको एक कंपनी नहीं मिलेगी, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, कि वहां 8 घंटे की मजदूरी हो। हर जगह आम हो गया है 12 घंटे का काम, और 12 घंटे के काम के आधार पर ही आपकी सैलरी तय की जाने लगी। यानी एक तरफ आपने मशीनीकरण भी कर लिया और दूसरी तरफ शोषण कम भी नहीं किया, बल्कि और बढ़ा दिया। और इस बढ़ा देने में जो सबसे सहायक शक्ति आपके लिए साबित हुई, एक
पूंजीपति के लिए लूट का रास्ता अपनाने वालों के लिए वो ये हुई कि ट्रेड यूनियनें कमजोर हो गई, सवाल उठाने वाले कमजोर हो गए, मजदूरों को संगठित होने का अधिकार खत्म कर दिया गया। तो जाहिर तौर पर यह स्थिति होगी जिसकी पीयूष गोयल आज चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इन चिंताओं से फर्क तब पड़ेगा जब नीतियों में कोई बदलाव होगा और जिसका कोई लक्षण मोदी सरकार में दिखाई नहीं देता है, दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है कि वह पूंजीपतियों पर अंकुश लगा है, वह अबाध गति से देश को बर्बाद करने की रफ्तार से चल रही फैक्ट्रियों पर रोक लगा है। एक मोटा उदाहरण मैं आपसे देता हूं, इस देश में प्रदूषण से यह देश परेशान है लेकिन हर साल गाड़ी खरीदने के नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। इस देश में की टेक्नोलॉजी को आगे अगर बढ़ना था तो सार्वजनिक वाहनों की जरूरत थी, वहां हमारी तकनीक की निहायत जरूरत थी, लेकिन इस देश में तकनीक चाहे जितनी बड़ी हो लेकिन इस देश के जितने बड़े महानगर हैं और वहां आपको सबसे कम स्पेस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे गरीबों की सवारी होती जा रही है और कारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये पूरी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था की यह देन बनेगी ही बनेगी जिसमें बेकारी भी शामिल होगी, आधिपत्य भी शामिल होगा और सबसे बड़ी बात यह होगा कि देश की दरिद्रता बढ़ती चली जाएगी और वहीं 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी रास्ता निकलता चला जाएगा। धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए, शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है, आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।